कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें जो है वो सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो चीज़ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये कभी नहीं दिखता है, और कभी कभी जो है यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कीप योर इंफॉर्मेशन अप टू डेट फॉर लोन अप्रूवल, तो मेडिकल पे क्लिक किया, पर्पस में यहाँ पे डाल देता हूँ लाइट बिल, बस जस्ट ऐसे बता रहा हूँ आपको यहाँ पे 25,000 कितना लिखना है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। येस आई कन्फर्म पे सिर्फ क्लिक किया। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पेमेंट जो है 1,000 जो पेमेंट है यहाँ पे आ भी चुका है। अगर मैं चाहता था तो पूरा का पूरा भी पेमेंट ले सकता था। दोस्तों मैंने स्क्रीन एक रिकॉर्ड किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी मेरे मोबाइल में 10 नहीं बजा है, और मैं गूगल क्रोम पे भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 10 नहीं बजा है। भाई इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपको यहाँ पे लाइव पेमेंट लेकर के दिखाने वाला हूँ, जो आप जो है अगर एक टाइम पे अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो 100% आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि सिर्फ आपको KYC करना है, तो मतलब KYC करने के लिए आपके पास जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड का रजिस्टर्ड नंबर जो है आपके पास होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट इज कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में दोनों में नाम स्पेलिंग डेट और जो बर्थ है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये सब कुछ ठीक है, 18 साल एवव आपका एज है, तो इस वीडियो को देखिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में अगर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि मैं इसमें लाइव लेके दिखाने वाला हूँ तो मतलब लाइव होता है, तो इस वीडियो में मैं लाइव बिल्कुल लेके दिखाने वाला हूँ। और अभी आप देखिए यहाँ पे अभी जो टाइम हो रहा है वो यहाँ पे 10:45 हो रहा है, और इंडिया टाइम टुडे, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी 10:40 हो चुका है, मतलब कि 11 बजने वाला। फाइनली मैं लोन एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में हूँ। काफ़ी लोगों को मैं ये सजेस्ट किया तो वो लोग कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन तो बंद हो चुका है। मुझे ये पता नहीं है कि किस तरह से आप लोग के मोबाइल पे शो कर रहा है, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि एक टाइम पे अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट आपको लोन मिलेगा, जैसे कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि इस चैनल के आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर वैसे अगर आप करते हैं तो भाई एकदम बिल्कुल ठीक होगा। और इतना सुबह में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मतलब एक ही है कि मैं चाह रहा था कि बिल्कुल टाइम जो है वो एकदम जो एक करेक्ट टाइम है उस करेक्ट टाइम में जो है मैं आपको लाइव बिल्कुल करके दिखाऊं। क्या पता ये वीडियो आप मुझे 12 बजे देख रहे हो, 1 बजे देख रहे हो, रात को देख रहे हो, सुबह में देख रहे हो, पता नहीं, लेकिन जो एक टाइम है जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 10 अभी नहीं बजा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और उतना टाइम से ये लोन यहां पे अप्रूवल देने के लिए इसकी जो विंडो है वो ओपन हो जाता है, और उसी टाइम आपको भी करना चाहिए। अब जैसे कि मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हूँ, आपको बता दूँ जो लोग को नहीं पता है इस एप्लीकेशन के बारे में कि यह एप्लीकेशन एक NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी इसकी होम पेज के डैशबोर्ड पे ही यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो लोन है ये RBI लाइसेंसेड NBFC रजिस्टर्ड मतलब एप्लीकेशन है। ओके ना, आप देख लीजिए यहाँ पे दो तरह का लोन है। जो पहली बार जो लोग इसको जानते हैं वो लोग तो पहले लाइव देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे दो तरह का लोन मिलता है। पहला जो लोन अगर आपको अप्लाई करना होगा एक बार में 15-20-25,000 रुपये के लिए, तो आपको फर्स्ट वाला ही करना आप राइट ना, यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। नीचे वाला जो लोन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये KYC लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला में सिर्फ KYC से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट भी देना होगा। बाय द वे अगर आपके पास है तो यहाँ पे 50,000 रुपये लोन मतलब कि एक बार में इंस्टेंट एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, तो आप पहली बार ऊपर वाला ट्राई किया जाएगा। अगर आपके पास किस तरह से कोई भी बैंक के स्टेटमेंट वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिर्फ ओनली KYC लिखा है राइट, और यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक है, लेकिन यहाँ पे 1,00,000 रुपये तक भी मिलता है, वो मैं आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है ये अलाउ नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग में मैंने इसी को अप्लाई किया था, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी ये विंडो ओपन हो रहा है। अब सबसे पहले जो लोग बोल रहे थे कि भाई मेहता भाई ये तो लोन एप्लीकेशन बंद हो चुका है, तो किसी भी टाइम में करोगे तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आ सकता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, और मैं स्क्रीन ऊपर लेता हूँ और यहाँ पे बता दूँ कि मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 1,00,000 रुपये तक मिलता है, 50,000 रुपये भी मिलता है, 20,000 रुपये भी मिलता है ठीक है, 1,00,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट और टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है,
मतलब टाइमिंग बोलेगा तो आपको समय मिलता है कितने दिन, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने आपको यहाँ पे लोन पेमेंट करने के लिए। तो अभी मेरे पास जो है ये लेवल है, आप इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखिएगा, ये 8 नंबर लेवल पे हूँ मैं, 9 नंबर लेवल पे जो है वो 20,000 है और 10 नंबर लेवल पे जो है वो 50,000 है और स्क्रीन ऊपर लेके ये देख लीजिए 11 नंबर मतलब लेवल पे है ये 1,00,000 रुपये तक का है जो अभी आने के लिए मुझे बता रहा है, अभी मैं वहाँ तक आया नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं है। ओके, तो फाइनली गेट दिस लोन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मंथली जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बता रहा है, यानी सभी चीज़ आपकी आंखों के सामने है और यहाँ पे देखिए 62 डेज के लिए यहाँ पे बता रहा है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे बटन शो कर रहा है, हम चाहें तो इस स्केल को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मुझे एक्चुअल में देखिए अगर चाहूँ तो मैं ये 17,925 रुपये भी कर सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे लाइव बताऊँगा लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं लेकर के मैं इसे 1,000 रुपये सिर्फ कर देता हूँ। 1,000 के बाद में आप यहाँ पे देख लीजिए 62 डेज, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरह का एक डेट आएगा, एक डेट पहला है और दूसरा डेट यहाँ पे देखिए मतलब कि 23 अक्टूबर और 23 नवंबर यहाँ पे आपको ये पेमेंट का टाइमिंग देना होगा। यहाँ पे लोन अप्लाई पे क्लिक करते हैं, लोन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में टर्न योर जीपे मतलब कि आपको लोकेशन ऑन करना है। ओके, फाइनली मैंने ऑन किया है। जो लोग इस एप्लीकेशन को पहली बार देख रहे हैं टेंशन मत लो, मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बताता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा जिसमें मैं एज ए लोन पार्टनर से मैंने अप्लाई किया हुआ है और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पे क्लिक करके जाते हैं तो आपको हो सकता है कि पहली बार थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने 62 डेज हो गया है। अप्लाई लोन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पे वेट करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें जो है वो सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो चीज़ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये कभी नहीं दिखता है और कभी कभी जो है यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कीप योर इंफॉर्मेशन अप टू डेट फॉर लोन अप्रूवल। अब मतलब इसमें से आप देख लीजिए आप क्या है, सैलरीड है क्या है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मेडिकल सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे जो है आप कुछ और अदर्स में सेलेक्ट किया, अदर्स में पर्पस में यहाँ पे डाल देता हूँ लाइट बिल। देखिए ये ऐसा नहीं कि मतलब कि आप भी ऐसे ही डालना है, बस जस्ट ऐसे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे एंसर में एक बार यहाँ पे क्लिक करके बताइए हाउ टू लॉन्ग यू हैव वर्किंग, मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग, मतलब कि आप कितने सालों से। तो यहाँ पे मैं 3 to 5 ये आपको जस्ट ऐसे ही एक सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मंथली फैमिली इनकम जो है वो बताना है, तो क्लिक करके इसके ऊपर मैं यहाँ पे 25,000 अब बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी है कि आप कितना लिखना है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे 25 क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यस आई कंफर्म पे सिर्फ क्लिक किया, मतलब इतना आपको करना है। उसके बाद से इंस्टेंट आपको ये जो लोन है, हो सकता है कि आप उसके जगह पर कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने जो सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो पेमेंट है अभी यहाँ पे सक्सेसफुली जो है अप्रूवल हो गया। फाइनली जो है अभी यहाँ रिसीप पे आपको क्लिक करना होगा। अब रिसीप पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट जो शो कर रहा है, इसके ऊपर मैंने रिसीप पे क्लिक करना मतलब रिसीव मनी। उसके बाद फाइनली ये जो है यहाँ पे प्लीज़ वेट और ये अंडर प्रोसेस में चला गया है। इंस्टेंट पेमेंट आएगा मेरे बैंक अकाउंट में, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे मैसेज में भी दिखाता हूँ। आई होप कि आप देख पा रहे हो कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वो चीज़ आप सेम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पेमेंट जो है 1,000 जो पेमेंट है वो यहाँ पे आ भी चुका है। अगर मैं चाहता था तो पूरा का पूरा भी पेमेंट ले सकता था। वह आपने यहाँ पे देखा कि मैंने बिल्कुल लाइव लिया है और मेरे बैंक अकाउंट में भी पेमेंट आ गया है। फाइनली अभी ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, जो लोग को नाम इस एप्लीकेशन को पता है वो लोग को तो ये पता चल गया कि भाई किस टाइम में हमें लोन अप्लाई करना है, लोन का टाइमिंग क्या है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10:55 हो रहा है और कभी कभी ये विंडो जो है 12 बजे तक भी चालू रहता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, जैसे कि सुबह में मैंने आपको बताया था कि 10 नहीं बजा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 10 बजे से पहले ही मैं देख ट्राई किया तो ये ओके ओपन था। फाइनली मैं एग्जिट जाता हूँ, मैं प्ले स्टोर पर आता है। प्ले स्टोर पर आने के बाद में यहाँ पे क्लिक करता है, ये एप्लीकेशन का नाम क्या है वो आप यहाँ पे देखिए 4.4 की रेटिंग है, परफेक्ट। और यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5 करोड़ इसकी डाउनलोडिंग है, मतलब रेटिंग भी अच्छा है, डाउनलोडिंग भी बढ़िया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके अगर इसके अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पे एक ही लोन है जो पहले वाला था, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक। बाकी नीचे वाले जो लेवल अप लोन है उसके बारे में यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है।
अब यहाँ पे जो एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे रीपेमेंट करने की टाइमिंग है, इसे स्टडी रीड करने की जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है वो स्क्रीन के ऊपर ही देखा है। अब जो लोग एक और कमेंट में बोल रहे थे कि NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो कमेंट ऐसा आया था मुझे, तो वो लोग भी यहाँ पे देख लीजिए कि NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। यानी कि भाई मैं आपको बता दूं कि इससे बढ़िया एप्लीकेशन और भी कोई नहीं है, अगर आपको KYC के बेस पे अगर लोन अगर चाहिए तो। आई होप गाइस कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी एक चीज़ मैं आपको अलर्ट भी करना चाहूँगा कि खुद की मर्जी से प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अगर लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला कि वो कंपनी NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं, दूसरा उसकी रेटिंग क्या है, और तीसरा लोगों का फीडबैक किस तरह से है। अब लोगों का फीडबैक कहाँ पे देखना है तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे बैक गया, स्क्रीन ऊपर लेके जाते, ये तो रेटिंग है। अब लोगों का फीडबैक यहाँ पे आएगा, या रिव्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 5-star रेटिंग है, 4-star रेटिंग है, ऑल रेटिंग है, पॉजिटिव है, यानी कि हर तरह का है। जो भी यहाँ पे देखना चाहेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे, सभी हमारा इंडियन रेटिंग्स है और आपकी आंखों के सामने है कि किस तरह से लोगों ने इसके बारे में बोला है। भाई सिंगल स्टार भी रेटिंग आएगा, ऐसा नहीं, मतलब जिसकी जैसी मर्जी वैसे दिया है। याद रखिए KYC करना है, यहाँ पे रजिस्टर नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, OTP आएगा, वेरीफाई होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी एक और इंटरेस्टिंग एक हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।